हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि है डिलीशन का। इससे पहले हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीख रखा है कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, डेटा को रीनेम कैसे करते हैं। इन सभी चीजों को हमने डिटेल में सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो भी फाइल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी एक फाइल है, इसको हमें फाइल को ही डिलीट करना है, लेकिन हमें इसके लिए फाइल हैंडल का यूज करना है। फाइल हैंडलिंग का यूज करते हुए हम इस फाइल को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। ये हमारी फाइल है, इसके अंदर कुछ डेटा है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को डिलीट करना है। सबसे पहले यहां पर हम इंपोर्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को। अब ये मॉड्यूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। मॉड्यूल्स की बात करते हैं, और मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटर्न बाय समबडी एल्स विच कैन बी इम्पोर्टेड एंड यूज इन आवर प्रोग्राम। यानी कि ये जो मॉड्यूल्स होते हैं किसी और के जरिए लिखे गए कोड होते हैं। अगर हमें इसको यूज करना हुआ तो उस कंडीशन पे सबसे पहले कंपल्सरी होता है कि आप इसको इम्पोर्ट कीजिए, उसके बाद अपने प्रोग्राम के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस प्रोग्राम में यूज करना है तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया है। अब जैसे ही इम्पोर्ट किया, इसके अंदर जितनी भी फाइलें होंगी, यानी कि जितना भी किसी और के जरिए लिखा गया कोड होगा, वो सारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल होता है, इसका क्या काम होता है, अगर हमें किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल का, जो कि क्या करता है, यानी कि आपको डायरेक्टली यहाँ से क्या करवाता है, ये इंटरेक्ट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइल को डिलीट करना है, तो फाइल की लोकेशन हमें बतानी होगी कि हमारी फाइल कहाँ पे है, जिस भी फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी फाइल की लोकेशन को ढूंढने चलते हैं। तो यहाँ से हमारी फाइल यहीं पे है, तो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी इस फाइल को हमने यहाँ से ओपन कर लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से इसका ये पाथ बता रहा है कि फाइल कहाँ पे है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी पाथ पे क्लिक करते हैं, तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, यहाँ से फाइल पाथ नेम का हम यहां से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके इक्वल हम इस पूरे डेटा को डबल क्वेट्स के अंदर पास कर देंगे। और यहां से जो सिंगल स्लैश है, इसको हमें डबल करना होगा हर जगह, यहां से हम इसको डबल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको भी डबल कर देना, अदरवाइज एरर मिल जाएगा। और इसे करते हैं सेव। अभी के लिए हमने क्या किया, सिंपल सा पाथ ले आया कॉपी करके। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मॉड्यूल है, इसके पास क्या होता है, रिमूव नेम का एक फंक्शन होता है, जिससे जिसके जरिए क्या कर पाते हैं, जो भी हमारी फाइल होती है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ओएस मॉड्यूल के अंदर जाना होगा, डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मेथड्स हैं, ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमें किसकी आवश्यकता है, रिमूव नेम का जो हमारे पास फंक्शन है, इसकी आवश्यकता है। इसको हमने यहाँ से उठाया। अब रिमूव क्या करना है, तो यहाँ से पाथ, एनी पाथ, यहाँ से आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें फाइल का पाथ देना है, तो हमने फाइल का जो भी पाथ है, आप डायरेक्टली यहाँ पर पूरा पाथ डाल सकते हैं, अदरवाइज जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर किया हुआ है उसको आप रख सकते हैं। तो यहाँ से फाइल पाथ जो है हमारा, इस वेरिएबल को हम डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देंगे, जिससे हमारी फाइल का पाथ जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये ढूंढेगा, जो इस नेम का फाइल है जिसकी लोकेशन ये है, वहां पे जो भी फाइल होगी उसको ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, यानी कि जिस भी फाइल का ये पाथ यहाँ पर ले आए हैं हम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता भी चलना चाहिए कि हमारी फाइल जो है वो डिलीट हो रही है या फिर नहीं। इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं एफ, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फाइल, और इसके बाद जो भी हमारी फाइल है उसका पाथ हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, और जो हमारा फाइल पाथ है, इसके अंदर जो भी पाथ होगा वो प्रिंट हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, ताकि हमें पता चले। और इसके बाद इसको हम सिंगल क्वेट्स के अंदर रखने वाले हैं, और इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे हमें एक मैसेज भी प्रिंट मिल जाए, यहाँ से डिलीटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से।
हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक मैसेज भी पास कर दिया। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम अपने कोड को करते हैं रन। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। अब इस एरर को हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जहां पे हमें लगता है, जहां पर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर एरर आ सकता है, उसको पूरी की पूरी कोड को हमें क्या करना होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देना होगा। तो इस पूरी एरिया को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर कर दिया और यहाँ से प्रिंट। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए नेक्स्ट एक्सेप्ट नेम का जो हमारे पास ब्लॉक होता है इसको हमें यूज करना होगा। और यहाँ पर किस प्रकार का एरर आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर जो भी आता है एज ए, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर अगर कोई सा भी एरर आता है तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम ई एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये हैंडल करेगा। उस कंडीशन पे हमें क्या मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए, यहाँ से हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे देंगे एफ, और इसके अंदर हम यहाँ पर देने वाले हैं एरर डिलीटिंग फाइल। इस प्रकार का हम एरर पास कर देंगे और जो भी फाइल का पाथ है उसको हम यहाँ पर पास करने वाले हैं फाइल पाथ। और इसके बाद सिंगल क्वेट से क्लोज करेंगे और यहाँ पर कॉलन, और इसके बाद हम ई को प्रिंट कर देंगे। जो भी एरर होगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और इसको हम करते हैं सेव। अब कोड को करते हैं रन। रन जैसे ही हमने किया, यहाँ पर जो भी एरर मैसेज आपने पास किया हुआ था वो यहाँ पर आ रहा है, एरर डिलीटिंग फाइल। जो भी यहाँ पर फाइल है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है उसकी लोकेशन, और क्या एरर आ रहा है, दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, यानी कि ये सिस्टम जो है उस फाइल की लोकेशन को नहीं पा रहा है। अब जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ से ये जो डेमो डॉट टी एक्स टी है राइट क्लिक करते हैं और इसका जो भी पाथ है इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। और वैसे तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जहाँ पे स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी है यहाँ पर हम कर देते हैं डेमो। बस ये क्या हो जाएगी, इसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोड को करते हैं रन। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो भी फाइल है क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गई है, ये फाइल हमारी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है हमारे सिस्टम के अंदर से। तो इस प्रकार से जो हमारा डिलीशन होता है किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में समझा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।